सब्सक्राइब कीजिए वीडियो श्रेयांश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टिप्स ट्रिक्स एंड ब्लॉग्स वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर किस तरह से आ रहा है और किस तरह से ये ओवरऑल रिलायंस को एक बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने वाला है। देखिए, जब हम रिलायंस की बात करते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि रिलायंस एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। रिलायंस ऑयल रिफाइनिंग के बिजनेस में भी है, पेट्रोकेमिकल के बिजनेस में भी है, रिलायंस रिटेल के बिजनेस में भी है, रिलायंस टेलीकॉम के बिजनेस में भी है। रिलायंस की एक 100% होली ओन्ड सब्सिडियरी है जिसका नाम है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। जी हाँ, मुझे नहीं पता कि आपको इस कंपनी के बारे में पता है या नहीं पता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड को बनाया गया है डिजिटल बिजनेसेस और टेलीकॉम के बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए। बात समझ रहे हैं, क्योंकि अक्सर जब आप टेलीकॉम बिजनेस की बात करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए टेलीकॉम बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अंदर एक और सब्सिडियरी बनाई गई है जिसका नाम है जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। तो जब हम टेलीकॉम बिजनेस की बात करते हैं तो टेलीकॉम बिजनेस के लिए डेडिकेटेड कंपनी है जिसका नाम है जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, और जियो इन्फोकॉम लिमिटेड जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अंदर आती है। मैंने यहाँ पर एरो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी है। जब आप रिलायंस जियो का कोई सिम परचेज करते हैं तो आपको एक ब्लू कलर का या रेड कलर का पाउच मिलता है। उस पाउच को पीछे पलट करके पढ़िएगा तो वहां पर आपको कंपनी का नाम नजर आएगा जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, वहां पर जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड आपको नाम नजर नहीं आएगा। तो टेलीकॉम बिजनेस के लिए डेडिकेटेड कंपनी है जिसका नाम है जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, और ये कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के नीचे आती है। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली में ये एक अम्ब्रेला कंपनी है और इस कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बनाया है टेलीकॉम बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ रिलायंस जो डिजिटल बिजनेसेस खड़े कर रहा है उन बिजनेसेस को कंट्रोल करने के लिए। आपको बताएं कि रिलायंस ई कॉमर्स के अंदर एंट्री की कोशिश कर रहा है, रिलायंस बहुत सारे एप्स को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। तो जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की, जब हम बात करते हैं एप्स की और एप्स के माध्यम से किए जाने वाले बिजनेसेस की, तो ये सब डिजिटल बिजनेसेस हैं, ये टेलीकॉम बिजनेस से अलग हैं। तो जो जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड है वो टेलीकॉम बिजनेस को तो कंट्रोल करती है, साथ ही साथ जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड जो ई बिजनेसेस हैं, बात समझ रहे हैं, जो डिजिटल बिजनेसेस हैं जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड उन सभी डिजिटल बिजनेसेस को भी कंट्रोल करती है। तो जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड अपने आप में एक बहुत पावरफुल कंपनी है, और फेसबुक ने जो निवेश किया है वो सिर्फ टेलीकॉम के अंदर नहीं किया है, फेसबुक ने जो निवेश किया है वो जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अंदर निवेश किया है। बात समझ रहे हैं, यानी कि फेसबुक का जो निवेश आ रहा है वो जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अंदर आ रहा है, यानी कि फेसबुक का निवेश डिजिटल बिजनेसेस और टेलीकॉम दोनों के अंदर आ रहा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए, रीट पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कम्युनिकेशन किया है, कम्युनिकेशन बहुत अर्ली मॉर्निंग में किया गया है। अगर आप डेट देखिए तो डेट है आज की, यानी कि 22 अप्रैल की, और समय यहां पर 6:27। जी अब मॉर्निंग में ये कम्युनिकेशन किया गया है और इस कम्युनिकेशन की ये पीडीएफ कॉपी है, आपको इस पीडीएफ कॉपी को डेफिनेटली डाउनलोड करके पढ़ना चाहिए। जी हाँ, मैंने ये पीडीएफ कम्युनिकेशन की कॉपी आप लोगों के सामने ओपन कर रखी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि फेसबुक 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। किसके अंदर? कंपनी का नाम देखिए, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अंदर 9.99% की हिस्सेदारी अक्वायर करने जा रहा है फेसबुक, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अंदर। यानी कि जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के माध्यम से जो रिलायंस के डिजिटल बिजनेसेस हैं, जो ई बिजनेसेस हैं, ई कॉमर्स वाले बिजनेसेस हैं, एप्स वाले बिजनेसेस हैं, उनके अंदर भी फेसबुक निवेश कर रहा है, और जो रिलायंस का टेलीकॉम बिजनेस है
उसके अंदर भी निवेश कराए। तो जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए यहाँ पर इस पीडीएफ कम्युनिकेशन को जब आप पढ़िएगा देखिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा कम्युनिकेशन है, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में डेफिनेटली मैं अपने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के साथ डिटेलिंग शेयर करूंगा। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर जो मेन बातें हैं उनको डिस्कस करना चाहता हूं, अपना फोकस ये हिस्सेदारी किस तरह से एक्वायर की जा रही है और कितना निवेश किया जा रहा है उससे जुड़ी हुई बातें हैं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। और मैं अपने आर्टिकल के ऊपर वापस लौट आया हूं। जैसे कि आपने अभी यहां पर रिलायंस की तरफ से जो कम्युनिकेशन किया गया वो आपने देखा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडियरी जिसका नाम है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड और फेसबुक, इन सभी ने अनाउंस किया है कि जो फेसबुक है वो लगभग 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के अंदर। अपनी बातचीत को कंटिन्यू करूंगा। देखिए जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंदर निवेश करती है तो पूरा होमवर्क किया जाता है, कंपनी का वैल्यूएशन निकाला जाता है। तो आज जिस तरह से फेसबुक ने तकरीबन 9.9% की हिस्सेदारी 43,574 करोड़ रुपए में अक्वायर करी है, उससे जो जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यू निकल करके आती है वो 4.62 लाख करोड़ रुपए निकल करके आती है। बिलियन डॉलर में देखें तो 65.95 बिलियन डॉलर की वैल्यू। माई फेलो इंडियंस नमस्कार, आई ट्रस्ट दैट ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड वेल। I am here to share with you some exciting news today. All of us at Reliance and Jio are delighted to welcome Facebook Inc. as our long-term and esteemed partner. At the core of our partnership is the commitment that Mark Zuckerberg, founder of Facebook, and I share for the all-around digital transformation of India and for serving all Indians. Together, our two companies will accelerate India's digital economy to empower you, to enable you, and to enrich you. Our partnership will be a great catalyst to make India the world's leading digital society. Over the past few years, Facebook, WhatsApp, and Instagram have become household names in India. WhatsApp, in particular, has entered our people's daily vocabulary in all the 23 official languages of India. WhatsApp is not just a digital application. It has become aapka aur hum sabka pyara dost. A friend who brings together families, friends, businesses, information seekers and providers. The combined power of Jio's world-class digital connectivity platform and Facebook's intimate relationship with the Indian people will offer innovative new solutions to each one of you. In the very near future, JioMart, Jio's digital new commerce platform, and WhatsApp will empower nearly 3 crore small Indian kirana shops to digitally transact with every customer in their neighborhood. This means all of you can order and get faster delivery of day-to-day items from nearby local shops. At the same time, small kiranas can grow their businesses and create new employment opportunities using digital technologies. And in the days to come, this winning recipe will be extended to serve other key stakeholders of Indian society, our kisans, our small and medium enterprises, our students and teachers, our healthcare providers, and above all, our women and youth who form the foundation of a new India. Our visionary and most respected Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has set two ambitious goals in his Digital India mission: ease of living for all Indians, especially for the common Indian, and ease of doing business for all entrepreneurs, especially for the small entrepreneur. Today, I assure you that the synergy between Jio and Facebook
will help realize these two goals. Finally, I take this opportunity to wish each and every one of you good health and safety in the current extraordinary situation in India and around the world. We are all in this together, and together we will overcome this pandemic. Corona harega, India jeetega. With our collective efforts, India will surely emerge stronger, healthier and better. Thank you and Jai Hind. Reliance ne